नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद उत्पन्न हुए सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा, महाराष्ट्र में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटनाएं हो या फिर ट्रांसफर का रैकेट हो, ये दुखदायी है। लेकिन सबसे आश्चर्य की कोई बात है, इतनी घटनाएं होने के बाद भी सीएम मौन है। जबकि शरद पवार ने मंत्रियों को बचाने का काम किया, फडणवीस ने इसके साथ ही कहा, मूल घटना को आड़ में लेकर हफ्ता वसूली और ट्रांसफर के रैकेट छुपा नहीं सकते। जिन्होंने रैकेट किया है उन पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सत्ताधारी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, महावसूली सरकार में कांग्रेस का क्या अस्तित्व है, समझ नहीं आता। शायद हफ्ता वसूली में बड़ी रकम उनको मिल रही है इसलिए मौन है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार में जितना आपका हिस्सा है उतना ही उगाही में है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोरोना की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, महाराष्ट्र में ही कोरोना इतना क्यों बढ़ रहा है, सरकार इस पर क्या कर रही है। राज्यपाल से हमने मांग की है कि सीएम बोलते नहीं है तो सीएम से रिपोर्ट मांगी जाए कि हफ्ता वसूली और कोरोना पर क्या है। इस बीच खबर है कि बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। मुंबई के मालाबार हिल्स के सह्याद्री गेट्स हाउस में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत अन्य मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसमें अनिल देशमुख पर लगे आरोप और विपक्ष की ओर से मांगे जा रहे उनके इस्तीफे जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद राज्य की राजनीति में घमासान मचा है। विपक्ष देशमुख का इस्तीफा मांग रहा है। वहीं बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं को प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता परमवीर सिंह की ओर से देशमुख पर लगाए गए आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग राज्यपाल से की है। ट्रांसफर का एक रैकेट, ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा। पकड़ने से पहले बकायदा डीजी और एसीएसओ की परमिशन ली,